कुनारी देख लो, झाड़ियों में नहीं जाना चाहिए, कितने मोटे मोटे सांप है यहाँ पे, ये भी झाड़ियों में जाते रहते हैं। अब देखो कितना खतरनाक है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, अभी हम सुबह सुबह अपने प्लॉट में आए थे काम देखने, और ये देखो घर के सामने हमको प्लॉट में क्या दिखा, वहाँ देखो अजगर, इतना बड़ा अजगर, वो भी वाइट कलर का। एक ब्लैक भी है, वो इससे बड़ा है। ये वाइट है क्या? हाँ, वाइट तो नहीं है, कोई वाइट तो नहीं है, ब्राउन है। ये देखो सब आ रहे देखने के लिए, चाची, मम्मी, अम्मा, कुनाली, सब देखने के लिए आ गए भाई। अरे अम्मा भी चढ़ गई, अभी पूरी फैमिली चढ़ गई क्या? पूरी फैमिली अजगर देख रही है, देखो भाई घर के बिल्कुल सामने है, देखो बिल्कुल सामने है, वहाँ पे धूप सेक रहा है मस्त अपना। परसों इससे मोटा था, इससे मोटा था, ब्लैक है अभी। साहिल भी आ गया देखने के लिए। भाई मुंह खोल दिया, डकार मार रहा है क्या? क्या कर रहा है? उबासी ले रहा है भाई, कुछ खा रखा है इसने भाई, कितना खतरनाक लग रहा है यार। यहाँ पे ऐसे डेंजरस है भाई, हमारे घर के सामने है। पहले यहाँ पे आया था ये रोड पे, रोड से फिर इधर आ गया, जा रहा है, दो जा रहा है, कुछ खाया है। देखो ये वाला हिस्सा इसका मोटा है ना। कुनारी देख लो, झाड़ियों में नहीं जाना चाहिए, कितने मोटे मोटे सांप है यहाँ पे, ये भी झाड़ियों में जाते रहते हैं। अब देखो कितना खतरनाक है, भाग गया हो गाइस, यहाँ पे घुस गया इसमें। गाइस वो देखो उसकी पूंछ थोड़ी सी दिख रही है, ये घर है, आई थिंक उसका घर है, एकदम से मुंह मारे ऊपर। तो गाइस सांप तो गया, अब हम भी चलते हैं, लेकिन भाई बहुत डेंजरस है झाड़ियाँ, यहाँ पे हम जाते रहते हैं ना, आपसे नहीं जाएंगे। सबसे मेन तो ओरियो घूमता है भाई यहाँ पे। तो अभी घर पे आ चुके हैं, अब फिलहाल करते हैं ब्रेकफास्ट, कड़ी चावल हरी सब्जी। तो गाइस अब बनाते हैं मस्त जूस संतरों का, इसका बन जाएगा 5 ग्लास। सारे संतरे छील दिए हैं, अब देखो पूरे पीस में कर दिए यहाँ पे, अब इसमें डाल के बन रहा है, 1 ग्लास कंप्लीट हो चुका है। गाइस 5 गिलास निकल गया, देखो जूस निकाल के पी तो लिया, अब इसको धोना बहुत मुश्किल काम है, पूरा खोलना पड़ता है इसको पूरा। कुनाली स्विमिंग पूल में चले, स्विमिंग पूल में चले, स्विमिंग पूल में चल रहे, आ जाओ साफ करता हूँ ना, तो यहाँ पे रोज स्विमिंग पूल बन जाता है। देखो अब ये भी साफ करना पड़ेगा मुझे। तो गाइस अब अनबॉक्सिंग करते हैं, ये मैंने अपने लिए मंगाया था, इसकी अनबॉक्सिंग मैं करूंगा। इसमें तो और बॉक्स निकल रहे हैं, एक बॉक्स और निकला, एक बॉक्स और, एक बड़े बॉक्स के अंदर इतने सारे बॉक्स। अब करते हैं इन 6 बॉक्स का अनबॉक्स, चलो इन सब में सेम चीजें हैं सारी। गाइस हमको बनाना है बॉक्स इस तरह का। The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes, the day has begun, you spin around। तो गाइस एक बॉक्स रेडी हो चुका है, टाइम लग रहा है इसको बनाने में, तो ये 5 बॉक्स और बनाने, मैंने 6 मंगाए थे, तो चलो बनाते हैं। You spin around, you laugh to yourself, and I see you shine in every color, resting your head in my arms। तो गाइस फाइनली 6 बॉक्स को मैंने असेंबल कर लिया है, अब देखो कितने मस्त लग रहे हैं, और पूरे ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर हम कुछ भी सामान रख सकते हैं, बट यूजुअली इसमें लोग जूते रखते हैं, तो मैंने जूतों के लिए मंगवाया। इन 6 बॉक्स को मैं रूम में इस तरह से रखूंगा, और इनके अंदर जूते रख दूंगा मस्त। इस तरह से खोलो, जूते रखो या कुछ भी सामान रखो, फिर बंद कर दो, इस तरह से खोलो, और ये ट्रांसपेरेंट है ना, तो दिखता है सामान, मस्त लगता है, कुछ भी सामान रखना हो तो ये मस्त लगता है। जूते आ चुके हैं, तो जूते रख के देखते कैसे लगता है इसमें। देखो इस तरह से रख सकते हैं मस्त, ये वाले तो सबसे मस्त लग रहे हैं, देखो बहुत प्यारा लग रहा है, पहली बार देखा यार है ना। गाइस जूतों का ना सबको शौक होता है, आपको भी शौक होगा, सबको पसंद होगा अपने अपने जूते, तो इस तरह से रख के देखने में अच्छा लगता है। अभी तो 6 ही मंगाए, अगर और मंगाएंगे तो इसके ऊपर और रख सकते हैं, और रख के ऊपर तक, तो ये और सुंदर लगेगा, जितने ज्यादा कलरफुल होंगे उतने ज्यादा अच्छे लगेंगे इसमें। तो पहले मेरे जूते ना यहाँ पड़ जाते थे, अब उस ग्लास में रहेंगे तो सही लगेंगे। अनबॉक्सिंग के बाद ना गाइस सबसे मुश्किल काम होता है ये सारा कूड़ा उठाना, अभी सारा उठाना पड़ेगा। ये आपने किया है? हाँ। क्यों? वही कर रहा था। अब मत कर यार। क्यों? अरे खराब हो जाएगा वैक्यूम क्लीनर। तो अभी मम्मी जी हमारी फेवरेट चीज नींबू सान रही है, जो कि एक पहाड़ की बहुत फेमस डिश होती है। भारी हो रहे हैं? कुछ भी बोल देगा, कपड़े भी भारी होते नहीं। एक एक कटोरा सभी उठाओ, कितने लोग हैं? 1, 2, 3, 4, 5 लोग हैं। एक एक कटोरा सबको दो। तो
अब लंच करते हैं, लंच में भी कड़ी चावल है आज। खाना एक ही बार बनता है घर में गाइस, फिर उसको शाम तक खाना पड़ता है, फिर शाम को अलग बनता है, मतलब दो टाइम बनता है आजकल। इसको मिठाई इतनी पसंद है पर मीठा नहीं देना चाहिए ना, डॉग्स को मीठा नहीं देना चाहिए, ज्यादा मीठा नहीं है इसमें। नहीं देना चाहिए हमें, ये प्योर मीठा है ये। देने में क्या हो गया, देखना कैसे जा रहा है, देखना खाएगा भाई। मम्मी गाइस सबसे बेस्ट फीलिंग आई थी जब एक ग्लास सब्सक्राइबर आए थे और सिल्वर प्ले बटन आया था भाई, पहला अवार्ड था मेरी लाइफ का। और उसके बाद जब 1 मिलियन आया तब भी बेस्ट फीलिंग आई, 10 मिलियन डायमंड प्ले बटन, अब भी मस्त फीलिंग आती है। बट जो वो फीलिंग थी ना भाई स्टार्टिंग वाली, वो अलग ही थी भाई, ऐसा मतलब अलग ही लगता था, बिल्कुल अलग। बेकरी पे आ गए केक लेने के लिए, मैं सोच रहा हूँ ये वाला लेते हैं, ये क्यूट लग रहा है देखो। तो गाइस केक ले लिया है, अब जा रहे हैं घर। तो अभी केक लेके हम पहुंच चुके हैं अपने नए घर पे, आज हम 24 मिलियन सेलिब्रेशन यहीं पे करेंगे, जो हमारे काम करने वालों के साथ में करेंगे। लो फैमिली काटेगी भाई, फैमिली पहले पहले 24 मिलियन की बधाई दो पापा जी, 24 मिलियन की बधाई, की बधाई हो तेरे, बधाई बहुत बहुत बधाई हो। मेरे एक हाथ में फोन है, एक हाथ में केक है, तो कुनाली हाथ में नहीं दूसरे हाथ में ये हां, और कुनाली केक कट करेगा। कुनाली रेडी, हैप्पी 24 मिलियन। ये क्या हुआ, नहीं चल रहा क्या, नहीं चल रहा, अबे यार ये तो खराब निकला, खराब निकला, खराब निकला, पता नहीं क्या निकला, सब खराब है। अबे यार ये हमेशा पोपट करता है। चलो ना आप कंटिन्यू करो, चलो 24 मिलियन तालियां, 24 तालियां। चलो बांट दो सबको, बांट दो, सिर्फ इतना सा केक बचा है, कौन खाएगा। तो गाइज आज बना रहे मम्मी 24 मिलियन के अवसर पे पहली बार हमारे विंटर का गाजर का हलवा। गाजर पाक बोलते हैं इसको। बढ़िया, मम्मी को अम्मा बोल लो। मैं भी अम्मा बोल देता हूँ पता है। तो डिनर करते हैं, गाजर का हलवा ला रही हूं। गाइज हमारा ट्रिप कैंसिल हो चुका है, बिकॉज यहाँ पे चल रही है हड़ताल, तो कहीं भी भाई पेट्रोल डीजल सब खत्म हो चुका है, तो हम फंस जाएंगे अगर हम पहाड़ पे जाएंगे, तो इसलिए हमारा ट्रिप कैंसिल हो चुका है। तो अब खाते हैं मस्त गर्मा गर्म हलवा। तो गाइज खाना पीना हो चुका है, अब फिलहाल मैं करूंगा एडिटिंग, फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद है तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते गाइज नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खराब है, इधर घूम जाएगा क्या हो गया, खराब ये हमेशा ऐसे होता है हमारे साथ में।